चलो दोस्तों, आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरक प्रसंग। रामकृष्ण का विवेकानंद से बहुत अलग तरह का जुड़ाव था, क्योंकि वह विवेकानंद को अपने संदेश दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया मानते थे। रामकृष्ण यह काम खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए वह विवेकानंद को अपने संदेश वाहक के रूप में देखते थे। रामकृष्ण के आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि वह विवेकानंद को लेकर इतने पागल क्यों थे। अगर एक दिन भी विवेकानंद उनसे मिलने नहीं आते तो रामकृष्ण उनकी खोज में निकल जाते, क्योंकि वह जानते थे कि इस लड़के में संप्रेषण की जरूरी समझ है। विवेकानंद भी रामकृष्ण परमहंस के लिए उतने ही पागल थे। उन्होंने कोई नौकरी नहीं ढूंढी, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी उम्र के लोग आमतौर पर करते हैं। वह बस हर समय रामकृष्ण का अनुसरण करते थे। विवेकानंद के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार थी और मृत्युशैया पर थी। अचानक विवेकानंद के दिमाग में आया कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वह अपनी माँ के लिए दवा या खाना नहीं ला सकते। यह सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आया कि वह अपनी बीमार माँ का ध्यान नहीं रख सकते। जब विवेकानंद जैसे इंसान को गुस्सा आता है तो वह गुस्सा वाकई भयानक होता है। वह रामकृष्ण के पास गए, वह कहीं और नहीं जा सकते थे, गुस्से में भी वह वहीं जाते थे। उन्होंने रामकृष्ण से कहा, इन सारी फालतू चीज़ों, इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या लाभ है? अगर मेरे पास कोई नौकरी होती और मैं अपनी उम्र के लोगों वाले काम करता तो आज मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता था, मैं उन्हें भोजन दे सकता था, उनके लिए दवा ला सकता था, उन्हें आराम पहुँचा सकता था। इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? रामकृष्ण काली माँ के उपासक थे, उनके घर में काली माँ का मंदिर था। वह बोले, क्या तुम्हारी माँ को दवा और भोजन की ज़रूरत है? जो भी तुम्हें चाहिए वह तुम माँ से क्यों नहीं मांगते? विवेकानंद को यह सुझाव पसंद आया और वह मंदिर में गए। एक घंटे के बाद जब वह बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा, क्या तुमने माँ से अपनी माँ के लिए भोजन, पैसा और बाकी चीज़ें मांगी? विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं, मैं भूल गया। रामकृष्ण बोले, फिर से अंदर जाओ और मांगो। विवेकानंद फिर से मंदिर में गए और 4 घंटे बाद वापस लौटे। रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से मांगा? विवेकानंद बोले, नहीं, मैं फिर से भूल गया। रामकृष्ण फिर से बोले, फिर अंदर जाओ और इस बार मांगना मत भूलना। विवेकानंद अंदर गए और लगभग 8 घंटे बाद बाहर आए। रामकृष्ण ने फिर से उनसे पूछा, क्या तुमने माँ से वे चीज़ें मांगी? विवेकानंद बोले, नहीं, अब मैं नहीं मांगूंगा, मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं। रामकृष्ण ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है, अगर आज तुमने मंदिर में कुछ मांग लिया होता तो यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होता। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखता, क्योंकि कुछ मांगने वाला मूर्ख नहीं जानता कि जीवन क्या है। मांगने वाला मूर्ख जीवन के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। प्रार्थना एक तरह का गुण है। अगर आप प्रार्थना पूर्ण बन जाते हैं, अगर आप आराधनामय हो जाते हैं, तो यह होने का एक शानदार तरीका है। लेकिन यदि आप इस उम्मीद से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके बदले आपको कुछ मिलेगा, तो आपके लिए यह कारगर नहीं होगा।